प्रणाम दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने परवल आलू की भुजिया रोटी, तो चलते हैं बनाने। देख सकते हैं हम सारा परवल अच्छी तरह से धो लिए हैं, अब इसे चीर लेते हैं या काट लेते हैं। परवल को बारीक बारीक काट लेते हैं। हमारा परवल की सब्जी कट के तैयार हो गया है, अब आलू धो लेते हैं। आलू धो लेते हैं, इसको अच्छी तरह से दो पानी धो लेंगे। आलू काट लेते हैं बारीक बारीक। अब प्याज को काट लेते हैं छील के। प्याज काट लिए हैं, चूल्हा जला लिए हैं, कढ़ाई रख दे रहे हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल डाल लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, फोरन के लिए जीरा और मिर्चा डाल दे रहे हैं। जीरा प्याज 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 को भूंज लिए हैं, अब आलू और परवल डाल दे रहे हैं। इसे हल्की आंच में भूंजेंगे। इसको हम चला लेते हैं। को आप अच्छी तरह से चला लेते हैं और हल्का आंच कर लेंगे, धीमी आंच में इसको हम भूनेंगे। अब इसे ढक लेंगे। नमक डाल लेते हैं। हल्दी डाल लेते हैं।
इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं। ढक देते हैं। हमारा आलू परवल का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे उतार लेते हैं। फिर मिल चुके हैं खाने के बाद। खाने से पहले खाने के टाइम दोस्तों हमको पहली का आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए इस पहली का आंसर होगा कान। तो देखिए टेढ़ा में रास्ता बीच में गधा। दोस्तों पहली का आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों पहली का आंसर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम कब बोलियो दोस्तों हमारे परवल आलू का भुजिया बिल्कुल ही स्वादिष्ट बना है। जो दोस्त हमारे वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर अगली रेसिपी क्या बना कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय।